Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट रीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिस होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी बड़ी छोटी सी होती है, बड़ी प्यारी सी होती है, तो कोई पता नहीं होता इंसान कब इस दुनिया में है कब नहीं है। अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी दी है तो उसको खुशी से, अच्छे दिल से, अच्छे अखलाक से लोगों से मिलें और अच्छे से गुजारें। और ये ज़िंदगी बड़ी हसीन है, बड़ी प्यारी है, और इसकी कदर हमें तब होती है जब हम बीमार होते हैं या हमें थोड़ा सा कहीं खौफ आता है कि यार अब तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ज़रा पलक झपकें और देखें कि ज़िंदगी हमारी कितनी छोटी है, और कोई पता नहीं होता कि इंसान की ज़िंदगी में कब कैसे कहाँ कौन से मामलात हो जाएँ। तो अपना ख्याल रखा करें और अपने आसपास के लोगों से प्यार मोहब्बत किया करें, प्यार मोहब्बत बांटा करें, अच्छे इखलाक से लोगों से पेश आया करें, अच्छे इखलाक दिखाया करें लोगों को। वो कहते हैं ना, आप जैसे करते हैं वैसा भरते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप किसी को 50% अच्छा इखलाक देते हैं तो 110% आपके पास वो अच्छा इखलाक इन रिटर्न आता है। तो आपने ख़ास तौर पर गर्मियाँ हैं तो आसपास के लोगों को पानी पिलाएं, देखें कोई भूखा प्यासा ना सोए, अपने नेबर्स में जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक। इसी के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं और प्रोग्राम में शामिल करेंगे मज़ेदार किस्म के सवालात, टंग ट्विस्टर और बड़ा फ़न, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, बहुत सारा। तो जी आइए चलते हैं, मेरे साथ एक शख्स हैं, उनसे बात करते हैं हम और जानते हैं कि वो अपनी लाइफ किस तरह से इंजॉय करें। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। क्या नाम है आप? नौमी बाबा। आप थोड़ा सा यहाँ से भी बोलेंगे तो माइक में आएगा, कोई मसला नहीं है। नाम क्या आपका? नौमी बाबा। नौमी बाबा, ये एक्चुअल नाम है या वैसे ही? एक्चुअल नाम ही है, वैसे तो मेरा रियल नेम है इमरान अली, पर इमरान अली आपका असल नाम है, वो सब जानते हैं। अच्छा, तो सब जानते हैं, कौन जानता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्फ्लुएंसर हैं आप? जी मैं टिकटॉक मतलब टॉक्स पे बनाते हैं। ठीक ठीक ठीक, सही है। तो कब से बना रहे हैं? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं, तो कितने आपके फॉलोअर्स हैं? 2.6 मिलियन। 2.6 मिलियन, ओह माय गॉड, 2.6 मिलियन। अच्छा, तो ये इतने फॉलोअर्स ऑर्गेनिक हैं? बिल्कुल है। अच्छा, किस तरह का कॉन्टेंट बनाते हैं आप? सब कंटेंट बनाते हैं, फ़नी भी बनाते हैं, एक्शन भी बनाते हैं, एहसास से रिलेटेड है, जो भी मतलब काम मिल जाए काम। यानी कोई आप कह लें कि कंटेंट प्लान्ड होता है या फिर लिपसिंग करते हैं? एक्शन मार धार। अच्छा अच्छा, यानी आपने अपनी लुक्स भी वैसी बना रखी है। क्या करें, मोहब्बत कर बैठे ना उससे। से संजय बाबा से। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक हो गया ठीक हो गया। ओके, तो कंटेंट आपका बाज़ुकात स्क्रिप्टेड भी होता है? जी बाज़ुकात हो जाती है मिस्टेक, इंसान खता का पुतला है, वर्गलेटी भी हो जाती है, पर कंट्रोल कर लेते हैं उसको भी। अच्छा, कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो अभी इन फ्यूचर क्या करने का इरादा है, क्या करना है फ्यूचर में? और क्या करना है, इतने बड़े तो हो गए हैं अभी, कोई आपको पता है पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, तो फ्यूचर में तो वही कामयाब है जो। ये तो ना उम्मीदी और मायूसी है ना? मायूसी नहीं है, मायूसी कुफर है, पर ये कि आपको पता है कि मुल्क के दिन ब दिन हालात कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको पता है कि अब अपना ही देख लें, हमेरा नहीं, बिजली के बिल, महंगाई और हालात। हाँ वो तो खैर फैक्चुअल चीज़ें, लेकिन आप मतलब मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि आप इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे या फिर और भी कोई बिजनेस करना है या कुछ जॉब शॉप? इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके अलावा मेरा छोटा सा एक बिजनेस है। क्या बिजनेस है? मैं काफिले लेकर जाता हूँ मुहर्रम में ईरान इराक। ओके, अभी इस साल भी इरादा है? जी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, इस साल भी जाएंगे जी, खुद भी जाएंगे, काफिला भी जा रहा है। ओके, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ओके, तो और मुझे बताएं कि इसके अलावा इन फ्यूचर कोई जॉब शॉप करने का प्लान है, इरादा है? नहीं, मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था, वो कहते नहीं बड़ा हो गया जहाज बन गया, वो हिसाब है। साहब है, आपने पायलट क्या बनना था, आप जहाज ही बन गए। जहाज बन गए। फिर टिकटॉक्स बनाए? मैरिड है जी, माशाल्लाह मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह क्या बात है भाई। अब्बा अगर ऐसे हों जवान और वो कह लें जिंदा दिल, तो बच्चे तो बड़े खुश रहते होंगे। बच्चे तो खुश रहते हैं, तंग भी बहुत करते हैं। सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है मुझे। मुझे बताएं ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा मुख्तलिफ ही होता? वो सवाल ही नहीं है फिर। ऐसा सवाल है, एक दुनिया का ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा मुख्तलिफ होता और वो दुरुस्त होता? मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं ऐसी दिमाग को सोचूं पहली, मैं फटाफट आपको कहूँ बता दें क्या है। चलें चलें ठीक है, टंग ट्विस्टर करवाते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला।
पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली पीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीपल की पतीली में पीपल पीला पीला। ये तो पीपल ही पीला हो गया ना, पीपल ही पीला कर दिया। पीपल का पेड़ तो हरा नहीं होता? पीपल का पेड़ हरा हो जाता है। अच्छा चलें ठीक हो गया। ओके कुछ सुनाएंगे आप हमें, कोई गाना शाना? गाना तो नहीं, कोई शेर सुना देता हूं। सुना दें। तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, उजाला मिल सका तुझको तो ये घर भी जला देंगे। क्या बात है, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? अपने वालदैन से प्यार करें, बड़ों से प्यार करें, छोटों से प्यार करें, अपने मुल्क को साफ रखें, खुश रहें, हंसते रहें, एंजॉय करते रहें। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जिस तरह बोल रहे हैं आप पंजाबी हैं? नहीं, मैं गुजरांवाला से आया, पंजाबी हूँ। मैं पहले ही सोच रही हूँ कि जो गुजरांवाला से आते हैं वही ऐसे बोलते हैं, उनका एक्सेंट डिटो ऐसे होता है। मेरे अपने कजन्स गुजरांवाला से हैं और वो ऐसे ही बोलते हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छी बात है, ऐसे बात है, ये क्या बात कर रहे हो? मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं तभी यहाँ घूम रहे हैं तो भाई ने कहा ये इंटरव्यू देता हूँ। मैं कह चलें ठीक है। मैंने कहा चलो फन हो जाएगा। है मैं तो अपनी व्लॉगिंग कर रहा था तो भाई ने कहा इंटरव्यू दे दें तो फेमस हो जाएंगे आप। मैं कह चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, फेमस हो जाते हैं। हाँ इतने लोग फेमस हैं, वहाँ हम भी हो जाएंगे। हम भी हो जाएंगे। नाम क्या? मेरा नाम यहिया मुबशिर। यहिया? यहिया, ओके। यहिया आप क्या करते हो? मैं शरीक कहता हूँ, मैट्रिक क्लियर की है अभी मैंने। अच्छा, तो गुजरांवाला से बिलोंग करते हो आप? हाँ जी, गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं। गुजरांवाला तो बड़े मज़ेदार खाने होते हैं। खाने आप तो भी? अच्छा, तो वैसे मशहूर चीज़ बताओ खाने की गुजरांवाला में क्या? वहाँ पे चिकन कढ़ाई, सार, रोगनी नान। कहाँ की? वहाँ पे अपना बड़ी कढ़ाई है, इसके साथ एक जैतून है वहाँ। कढ़ाई के अलावा बताओ कोई? कढ़ाई के अलावा फास्ट फूड मजे के हैं, जिंगर बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, इस तरह की चीज़ें मशहूर हैं। अच्छा, एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जैसे मुल्तान का तो सोन हलवा बड़ा मशहूर है, आप बताएं? मुल्तान का सोन हलवा वहाँ की कढ़ाई में मशहूर है। अच्छा चले, अगर हम आएंगे तो आप मेहमानवाजी करेंगे? हैं लाजमी, इंशाल्लाह। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना। देखते हैं जरा गुजरांवाला के दिमाग, वो कहते हैं जो बंदा ज्यादा खाता है वो लेजी हो जाता है। हम देखते हैं आप लोग खा खा के दिमाग तो नहीं जाया कर बैठे। देखते हैं, मुझे बताओ ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा मुख्तलिफ होता है? कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा मुख्तलिफ होता है? मुझे नहीं पता। मैंने नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा, आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पपीता पिताजी पतीले में पतीला। मुल्तान क्या करने आए हो? मैं मुल्तान वैसे घूमने फिरने आया हूँ, कजन के साथ आया हूँ। मैं यहाँ पे स्टे कहाँ करोगे? स्टे नानोघर करूँगा। अच्छा, मतलब ननियाल है यहाँ से? ओके चलो ठीक हो गया, गुड हो गया। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बस वक्त हो चुके हैं ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी नींद में बेहोश क्यों होते फिर? बस थका हूं काम से। ज्यादा थके मैं? हाँ जी। कॉल क्यों करने आए हो फिर, क्या मजबूरी थी? बस रिलैक्स होने आए हैं। रिलैक्स हो, नींद पूरी करते रिलैक्स हो जाते? ऐसे ही रिलैक्स होते हैं। बेहोश, नींद पूरी नहीं, आंखें खुल नहीं रही, मॉल आ गए हो हैं? वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, आप मेरे साथ कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी नींद में बेहोश क्यों होते फिर? बस थका हूं काम से। ज्यादा थके मैं? हाँ जी। कॉल क्यों करने आए हो फिर, क्या मजबूरी थी? बस रिलैक्स होने आए हैं। रिलैक्स हो, नींद पूरी करते रिलैक्स हो जाते? ऐसे ही रिलैक्स होते हैं। बेहोश, नींद पूरी नहीं, आंखें खुल नहीं रही, मॉल आ गए हो हैं? बस रिलैक्स करने आए हैं और कहीं। मॉल में क्या लंबे लेट जाते हो हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुलरहमान। आपका नाम? मुअज्जम। मुअज्जम और अब्दुलरहमान है, कहाँ से हो आप? मैं मुल्तान से। और आप? मैं भी मुल्तान से। घर यहीं पे? जी। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल कहाँ से आ रहे हो? शालीमार है, 19 नंबर। क्या कर रहे थे वहाँ? पढ़ता हूँ बस, वैसे ही आया घूमने। अच्छा, पढ़ते कहाँ हो? मेरे पंजाब कॉलेज। अच्छा, PGC में पढ़ते हो, ओके। और मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप लोगों ने मुझे उसका जवाब देना है। मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा मुख्तलिफ होता है? सवाल जवाब मुख्तलिफ होता है? वो सवाल कौन सा हो सकता है जिसका जवाब हमेशा मुख्तलिफ होता है?
हर जवाब का सवाल ही मुख्तलिफ होता है, तो जवाब नहीं नहीं वो कोई एक स्पेसिफिक सवाल है जिसका जवाब हमेशा मुख्तलिफ होता है। और सवाल अच्छा चलो सवाल नहीं करते, आप बताओ मुझे कि टंग ट्विस्टर कर लोगे आप? टंग ट्विस्टर कर लोगे? वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो मैं बोलूँगी उसको आपने तेज़ी स्पीडो स्पीड रिपीट करना। नहीं नहीं ये नहीं होगा। फिर गाना सुना दो। गाना नहीं, मेरे को कौन याद है। चलो फिर टंग ट्विस्टर करते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। आपने बोलना है ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। नहीं ये मुश्किल है। प्योर सवाल ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड ब्लू ब्लड। बस देख लग गई ये दो दूसरे भाई। अच्छा क्या क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? मैं एफएससी कर रहा हूं। आप? मैं अमेज़न ईबे का काम कर रहे हो। क्या कमाते हो मंथली? अभी फिलहाल सीख रहा हूं। सिक पागल हो जाना है। सीख के बेचारा इतना रेस्टलेस हो गया कि आंखें बंद हो गई। मैं आके पीती बजाय गाना आता है, कोई शेर आता है? अच्छा चलो खाना शाना पका लेते हो दोनों? चाय बना लेते हैं। चाय कैसे बनाते हो? किन्ने बनी दी है? कैसे बनती है? कैसे बनती है चाय बनाने का तरीका भी बड़ा डिफरेंट होता है। मतलब हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। मतलब कैसे? पहले पानी को बॉयल किया, उसमें दूध डाला, फिर चीनी पत्ती डाल के चाय बना। आप बताओ आप कैसे बनाते? मैं मुझे नहीं बनाना। आपको सिर्फ सोना आता है? तो ओशी मैं इसकी शक्ल देखती मुझे तरस आ जाता है बेचारे पे। यार वो चेयर है वो, उस पे जाओ और जाके सो जाओ। ठीक है पैसे ठीक है। अच्छा चलो ठीक है ओके। बचपन से रियली ऐसे है। बचपन से ऐसे रियली है ये। ठीक हो गया ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़। भाई साथ एक और शख्स से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं। अच्छी शर्ट पहनी हुई जी, थोड़े दिनों पहले ही लिए। नहीं खरीदी जी? नहीं खरीदी। कितने की थी ये? सेल में थी 30% ऑफ, 4800 की पड़ी है। अच्छा हैं 4800 की सेल में। लड़के भी इतने महंगे कपड़े पहनते हैं? जाहिर सी बात है लड़कों का भी शौक। पहले टाइम होता था ख्वातीन शॉपिंग में बड़ा इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन अब आप देखें तो मर्द हजरात शदीद इंटरेस्टेड हैं शॉपिंग में। और ये अच्छी बात है, अपने आप को अगर ग्रूम रखना है, अपने आप को अगर आपने अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चलना है, इट्स गुड। करते हैं आप? मैं भी कोथम में होटल एंड मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अभी एडमिशन लिया मैंने। अभी रिसेंट एडमिशन? हाँ। क्या सोच के? यही अब फ्यूचर के बारे में सोच के, अच्छी अच्छी डिग्री है, फ्यूचर में काम भी आएगी और अच्छी अर्निंग हो जाती है इसमें। शौक क्या है आपको? शौक अच्छा फ्री टाइम में क्या? फ्री टाइम में होता नहीं है अक्सर, फ्री टाइम होता नहीं है। मैं वो कर रहा हूँ, फ्री लांसिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो फ्री टाइम इतना मिलता नहीं है। जो मिलता है वो फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर देता हूँ। ओके सवाल करती हूँ आपसे, भी जवाब देना है आपने। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर दफ़ा मुख्तलिफ होता है? अभी जो सवाल आपने किए वही वाला, जिसका जवाब हर टाइम मुख्तलिफ होता है। आइडिया चले कोई मसला नहीं। टंग ट्विस्टर करवाते हैं, आपने 10 times बोलना है ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड 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 ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। वेरी नाइस। चलें जी आप कुछ सुनाएंगे हमें? नहीं इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग खाना शाना बना लेते? हाँ खाना बना लेते। कैसा? बहुत अच्छा बना लेते। क्या बनाते हैं सबसे यमीएस्ट? सबसे यमीएस्ट मैं बिरयानी बनाता हूँ। ओके वैसे मुझे तो आज तक कहीं की बिरयानी, और मुझे खास तौर पे घर की बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कहती हूँ बिरयानी खानी है तो बाहर की खाएँ। हाँ एक्चुअली ना मैं भी आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ, तो उस वजह से फिर। बिरयानी कैसे बनाते हैं आप? बिरयानी सबसे पहले ना चिकन को मैरिनेट करता हूँ मैं, जैसे मैं बनाता हूँ ना वैसे बात चिकन वो ये बिरयानी मसाले को मैरिनेट कर लिया हमने चिकन पे लगा के। हाँ मैरिनेट करके उसे तकरीबन हाफ डे में रखता हूँ, उसके बाद फिर उसका ना मसाला बना लेता हूँ गोश्त का, उसके बाद चावलों को बॉईल करके, तो फिर वो जो प्रोसेस होता अच्छा है। जो दम लगाते हैं हम उसमें गार्निशिंग में क्या क्या चीज़ें आप डालते हैं? मैं मिंट डालता हूँ,
उसके बाद अनियन डालता हूँ फ्राई किए हुए, और साथ में मैं ना वो करता हूँ लहसुन नहीं होता वो पूरा अंदर डाल देता हूँ उसके साथ, बहुत अच्छी, एक तो स्मेल बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चले हम ये ट्राई करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह। इस वक्त चुके ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। दूध वाला हलवा वो कैसा होता है? वो बड़ा मजे का होता है दूध वाला। आपको तो फिर लेके आना चाहिए था मुल्तान में। हम अपने रिश्तेदारों के लेके आए हैं। अच्छा, कौन रिश्तेदार रहता है आपका यहाँ पे? इधर मामू लोग रहते हैं हमारे। बड़ा अच्छा एक्सेंट है यार आपका। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम आ गए हैं वापस, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, मेरे साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद फारूक। असद फारूक, आपका नाम? आरिफ खान। कहाँ से आए हो आप? मियांवाली से। मियांवाली से, ओके। सराइकी हो, उर्दू स्पीकिंग हो? सराइकी। आप? सराइकी। आप भी मियांवाली से आए हो? मियांवाली। अच्छा जी, तो मियांवाली में सबसे खाने पीने की मशहूर चीज़ क्या? हमारी साइड पे तो हलवा ही है। अच्छा, यहाँ पे भी वैसे तो सोन हलवा ही है जी। उधर भी हलवा ही लोग। अच्छा, उधर भी हलवा ही है। दूध वाला हलवा वो कैसा होता है? वो बड़ा मजे का होता है दूध वाला। आपको तो फिर लेके आना चाहिए था मुल्तान में। हम अपने रिश्तेदारों के लेके आए हैं। अच्छा, कौन रिश्तेदार रहता है आपका यहाँ पे? इधर मामू लोग रहते हैं हमारे। बड़ा अच्छा एक्सेंट है यार आपका, मजा आता है सुनने में और बोलने में जी। अच्छा, और आप बताओ क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ते हो? मैं सुपीरियर कॉलेज। मियांवाली में? जी मियांवाली। आप क्या कर रहे हो? मैं भी पढ़ाई में फ्री हूँ। पढ़ाई में फ्री हो? आप नहीं पढ़ते? पढ़ाई कर ली है। क्या पढ़े हो? मैंने एफएससी। बस इतना ही पढ़ना था जी? बस ब्रेक लग गई है बस, दिल भर। क्यों? दिल भर गया वजह? बस आपने भी 12 ही पढ़नी है? नहीं, आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ोगे? कितने बहन भाई हो? 5 बहन भाई। पांच बहन भाई हैं, ओके। तो पांचों बहन भाई पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। अच्छा चलो, मुल्तान में आपका कौन रहता है? हमारे मामू लोग रहते हैं इधर मुल्तान। मुल्तान में मामू रहते हैं। तो मॉल में किसके साथ आए हो? मॉल में फैमिली भी है और कजन साथ साथ। कजन भी हैं, फैमिली भी हैं। अच्छा जी, तो मज़ा आ रहा है? जी आ रहा है। क्या खाया पिया, क्या क्या किया? अभी ऊपर जाने, खाने पीने जाएंगे। खाने पीने जाना है? सवाल करते हैं, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? कॉमन सेंस का सवाल है। सवाल ये, मुझे बताओ ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर दफा मुख्तलिफ होता है? हर सवाल का जवाब, हर सवाल नहीं, वो एक स्पेसिफिक एक सवाल है खास तौर पे जिसका जवाब हर दफा मुख्तलिफ होता है। हाँ दो आप जवाब। हर सवाल का जवाब अलग ही होता है और नहीं नहीं हर सवाल का तो अलग होता है, लेकिन वो एक ही सवाल है जिसका आप जब भी किसी से भी करेंगे, और अगर मैं आपसे भी 2 मिनट बात करूंगी तो आप भी उसका जवाब और देंगे। पूछने अरे टंग ट्विस्टर कराते हैं, जब मैं बोलूंगी उसको रिपीट करना है। आपने 5 दफा आपने बोला पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले 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 में। आप बताओ। नहीं नहीं आप तो करें। नहीं इसी को शौक था, मुझे नहीं आएगा। चलो ठीक है, कुछ सुनाओगे गाना को शेर? नहीं हमें। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह। वैसे मेरे साथ बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप देख सकते हैं, और गर्मियों में रंग बिरंगे रंग पहन के तो और भी प्यारे हो जाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उधर देखना है आप सबने, क्या नाम है आपके? महनूर। फातिमा। सुभान। नूर हरम। और आपका नाम? इधर आओ चुटकुले छोटा सा टिकन इमाम। वो जो भी कोई नाम बोल रहा है वो उसको कॉपी कर रहा है। क्या करने आए हो मॉल में? मिलने घूमने आए। मिलने आए हो? किससे मिलने आए? मेरे से? नहीं घूमने आए थे। ओहो घूमने आए हो, घूमने फिरने तो प्ले लैंड हो आए हो जी। बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए, ये किसकी चॉइस के हैं? मम्मा के। और आपके? नानो के। ओए होए नानो जी, नानो नानो के पसंद के कपड़े, क्या बात है।
चलो मुझे बताओ किसको कौन कौन पोएम सुनाएगा? सब सुनाएंगे पोएम, पोएम या गाना कुछ भी, कुछ भी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. In the world, so what you have. वो नहीं आता वो। Okay, आप कौन सी सुनाएंगी? आप क्या सुनाओ? मैं कुछ नहीं। हंसे क्यों जा रही हो? मुझे नहीं पता, हंसी आ रही है। हंसी आ जा रही है? इधर आओ ना, ये सबसे प्यारा बच्चा है। कुछ नहीं सुनाओगी? नहीं। कुछ तो यार सुना दो। नहीं। अरे यार कुछ तो थोड़ा सा। मुझे पता ही नहीं है। कैसे? मुझे पता ही नहीं है। ओए ओए, इतना प्यारा सूट किसकी पसंद का पहना हुआ है? नानो। आप सबके कपड़े नानो बनाती हैं? नहीं नहीं। अच्छा चलो ठीक है। हमारी अम्मा भी। ओके जी, सारे बाय बाय बोल दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फिर से हमारे साथ एक और फैमिली है, बड़े प्यारे बच्चे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी। आप भी ठीक हो? जी अल्लाह। नाम क्या है आपका? गुलाम मुस्तफा। आप? जन्नत। जन्नत। आप? मैं भी शमदा। वो शर्माए जा रही है, वो भी शर्माए जा रही है, क्यों शर्मा क्यों रही हो? इधर तो आओ यार, इसको मेरे हवाले करो। क्या नाम है आपका? जन्नत। जन्नत थोड़ा उधर देखो, बी कॉन्फिडेंट जन्नत। अच्छा, क्या आप किस क्लास में पढ़ती हो? टू। टू क्लास में पढ़ती हो जन्नत। कोई पोएम आती है? क्या सुनाओगी? नाच सुनाओगी? चलो नाच सुनाओ जन्नत। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कुरान में इलाही दिया, जिसने लाकर कुरान में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने पे वजूद है, फूल खिलते हैं पर पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर पर के सल्ले अला। क्या बात है, इतनी प्यारी नाच सुनाई है प्यारी सी जन्नत ने। आप क्या सुनाओगी? ले छोटी ना छोटी, बड़ी भी शर्माए जा रही है। सवाल करूं बच्चों आपसे? आप भी बच्ची हो, सवाल करूं? आप इधर आओ, आपसे सवाल करें। मुझे बताओ ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर दफा मुख्तलिफ होता है? यार ये बच्चे पागल तो नहीं हो गए? आप घर में भी ऐसे ही शर्माती हो? अच्छा चलो ठीक हो गया। ओके अल्लाह हाफिज। बाय। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम ब्रेक के बाद और प्रोग्राम का एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन आप लोग उठें, पानी पिएं सारे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, मशरूबात का इस्तेमाल किए करें और अपनी एनर्जी को बहाल कर लें, क्योंकि ज़्यादा और मज़ीद एनर्जी के साथ हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पतीला पतीला, पीतल की पपीती में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पपीती में पपीती क्या चीज़ होती है? वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ एक फैमिली, उनसे बात करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बड़ा प्यारा सूट पहना है। थैंक यू। कहाँ से लिया? मैं साहिवाल से आई हूँ, तो मैंने उधर से। साहिवाल से आई हैं मुल्तान घूमने फिरने? हाँ जी। वैसे तो आजकल वेकेशन चल रही हैं तो इन्जॉय करने आते हैं। हमें कहाँ छुट्टियाँ मिलती हैं, हम तो कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में छुट्टियाँ नहीं हैं आजकल? नहीं। हुए बड़े बच्चे जहाद कर रहे हैं आजकल के भाई, इस गर्मी में पढ़ के। जी क्या करना है यार, क्या बनना है, मतलब क्या फ्यूचर में करना है? अच्छा तो फिर मेहनत तो बनती है। हाँ जी। ओके, किसके साथ आई हैं आप यहाँ पे? मैं अपनी कजन्स के साथ आई हूँ। एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। क्या क्या किया है? अभी हम आए हैं। और क्या क्या प्लान्स हैं? आगे पढ़ना है।
नहीं नहीं शॉपिंग करनी है आज के क्या प्लान है? शॉपिंग करनी है, एंजॉय करना है, खाना पीना है, क्या करना है? करने आया हूं। ओके, सिर्फ एंजॉय करना है, ठीक है। चलें सवाल करते हैं आपसे, एक मुझे जवाब देना है। आपने सवाल ये मुझे बताइए, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर दफ़ा मुख्तलिफ होता है? Oh, no. नहीं पता। नज़र की अनक जी कितने कमज़ोर है? मेरी 2.3 है। ओहो, तो लेंस क्यों नहीं लगवा लेती? वो अभी मैं 18 की होंगी ना, तो फिर उसका। ओके चल ठीक हो गया। टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। टंग ट्विस्टर का मतलब समझती हैं जी? रैपिडली आपने, यानी स्पीड ऑफ स्पीड आपने बोलना है जो मैं बोलूँगी। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीपल की पतीली में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पतीला पतीला। पीतल की पपीती में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पपीती में पपीती क्या चीज़ होती है? पतीली में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीपल की पपीती में पपीती क्या चीज़ होती है? पीतल की पतीली में पीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीता पीला पीला। पीता क्या होता है? पपीता होता है। पपीता। चलो कुछ सुनाओगे आप? नहीं। शेर? शेर नहीं, शेर। चलो ठीक हो गया। मैसेज शेयर करोगी? जी बस यही है, मालिक मुल्तान आए विजिट करें। चले ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। वैसे हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल, मेरा सलाम इतना बुरा था कि आपने जवाब नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो सलाम मैंने खाए पहले उसका तो जवाब दे। वालेकुम सलाम। शुक्र है, मैंने कहा शायद आपको पता ही नहीं है वालेकुम अस्सलाम क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आप? मेरा नाम निशान हैदर है। निशान क्या करते हो आप? मैं यहाँ कोथम में हॉस्पिटैलिटी का स्टूडेंट हूँ। ओह, यानी काम के बंदे हैं आप? बिल्कुल, बस इंडस्ट्री ऐसी है। तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस और क्या क्या सीख रहे हैं? जॉब क्या है आपकी? बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। कल भी एक एक्सपो होस्ट किया कोथम का, वहाँ पे स्टूडेंट का, और ज़बरदस्त अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है अभी तक। इन्जॉय कर रहे हैं। कोथम एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है जो आपको वो टैलेंट जो कि आपकी सोसाइटी आपको प्रमोट करने नहीं देती हर जेंडर को, वो आपको प्लेटफॉर्म देता है कि जी आएँ और आप अपने टैलेंट को प्रमोट करें। बिल्कुल ऐसे है। एक्चुअली अभी लोगों को इस इंडस्ट्री का ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि अभी इंडस्ट्री वाइड हो रही है। आपको पता है हॉस्पिटैलिटी इज़ लाइक, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी जॉब्स हैं और हाईली पेइंग जॉब्स हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं पहले लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा था, लेकिन जब मैंने वहाँ फाइव स्टार इंडस्ट्री देखी तो मेरा जो इंटरेस्ट जो है ना हॉस्पिटैलिटी की तरफ चला गया। जैसे मैंने ज्वाइन की उसके बाद मेरी जॉब भी हो गई, फिर मैंने DHA गोल्फ रुमांजा ज्वाइन किया एज अ ड्यूटी मैनेजर, और अभी भी कंटिन्यू है। बस मेरा लास्ट सेमेस्टर शहर, और उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी फॉरेन कंट्रीज की भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। इट्स रियली गुड। और मॉल में कैसे आना हुआ आज? मॉल में आज हम शॉपिंग करने आए हैं, अभी परफ्यूम ले रहे थे हम, काफ़ी अच्छे लगे हमें, और ऊपर से कुछ शर्ट्स वगैरह लेंगे खाने। यानी आप भी समर सेल्स का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। महंगाई इतनी है, लोग कहते हैं यार सेल लगे तो फ़ौरन पागल हो जाते हैं। क्या करें, महंगाई तो है लेकिन अब डेली लाइफ को तो इन्जॉय करना है। इन्जॉय करना है, ठीक हो गया। चलें सवाल करते हैं आपसे, कॉमन सेंस का आपने जवाब देना है मुझे, ठीक है? ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा हर दफ़ा मुख्तलिफ होता है? ऐसा कौन सा सवाल है? सोचना पड़ेगा। सोच लें आप। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा हर दफ़ा मुख्तलिफ होता है? समझ नहीं आ रहा ये सवाल ही कैसे। चलें कोई बात नहीं, टंग ट्विस्टर कराते हैं। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करेंगे आप 7 times, और आपने बोलना है ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, 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 ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ओके, क्या सुनाएंगे आप? सुनाएंगे तो कुछ नहीं, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है कि कुछ सुनाएं। शेर सुना दें। चलें शेर सुना देते हैं। उफ, उनकी आँखों का खुमर, दिल ना देते तो जान चली जाती। क्या बात है, किन की आँखों का? कोई भी हो सकता है, आपने शेर कहा था। आपने शेर सुना दिया, ठीक हो गया। ओके, तो हॉस्पिटैलिटी के बारे में, चूंकि हमारे लोगों को इवन दो कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनका बड़ों को नॉलेज नहीं होता, लेकिन हॉस्पिटैलिटी इज़ समथिंग
जिसका हमारे यंग जनरेशन में भी कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है. बिल्कुल नहीं है. तो आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे उस बारे में, उसका स्कोप बताएंगे आप हमें? बिल्कुल बताएंगे. कल इसलिए तो हमने एक्सपो होस्ट किया वहाँ पे कि लोगों को अवेयरनेस हो इस बारे में. बताइए. बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वाइड इंडस्ट्री है कि जिसमें आपको एक तो रिलैक्सेशन और ऊपर से एक लग्जरी लाइफ होती है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है. आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की. और अभी रिसेंटली मैंने अपने दोस्त को ज्वाइन करवाया है, अभी फॉरेन कंट्री से ही आया, तो मैंने कहा आप हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करो. वो फिर रहे हैं, वो दोनों फिर रहे हैं, उन्हीं को भी अच्छा जा रहा है एक्सपीरियंस. दैट्स रियली गुड. कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? बस दैट्स इट, फाइन. यही था मेरा मैसेज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह करम. ठीक है, फिट है. नाम क्या आपका? इमरान. क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन. बिजनेसमैन? बिजनेसमैन. हाँ जी. क्या बिजनेस है आपका? हमारा टायर शॉप का बिजनेस. टायर्स का बिजनेस है. टायर्स का बिजनेस है. टायर्स नहीं होते? टायर्स. टायर्स मुझे लगा टाइट्स कह रहे हैं. मैंने कहा टाइट्स क्या चीज़ है? टायर्स. ओके. तो कब से अपना बिजनेस शुरू किया हुआ? मुझे हो गए हैं 2-3 साल हो गए. पहले बाबा करते हैं तो फिर आपने स्टार्ट किया. ओके. सवाल करते हैं सर आपसे, आपने जवाब देना है. मुझे अपना नाम बता दें. मेरा नाम शेख इमरान. इमरान साहब, मैं आपसे सवाल करूँगी, आपने जवाब देना है. मुझे बताइए, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर दफ़ा मुख्तलिफ होता है? जिसका सवाल जवाब हर वक्त मुख्तलिफ, हर दफ़ा उसका जवाब जो है वो मुख्तलिफ होता है. ऐसा कौन सा जवाब? ऐसा कौन सा सवाल? नहीं आईडिया. नहीं पता. टंग ट्विस्टर करते हैं जी? टंग ट्विस्टर नहीं. जब मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने, ऐसे 3-4 दफ़ा. अच्छा. आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला. पीतल की पतीली में पीला पीपा पतीला. पीतल की पतीली में पपीता पीला. पीतल की पतीली में पपीता पीला. पीतल की पतीली में पपीता पतीला. चले ठीक हो गया. कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? नहीं, बस शुक्रिया. मैं उसमें आया था तो पहले. ओके जी, ठीक है. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. तो बस ये था आज का प्रोग्राम. उम्मीद है मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को. तो आज के प्रोग्राम में एक बड़ा मज़ेदार किस्म का और बड़ा मुश्किल सा ट्रिकी सा सवाल शामिल किया था जिसका जवाब आपको देती चलूँ. सवाल ये था कि जी ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर दफ़ा मुख्तलिफ होता है. तो वो है जी, क्या टाइम हुआ. यानी जब हम पूछते हैं क्या टाइम हुआ है, तो उसका जवाब जो है वो हर दफ़ा टाइम क्योंकि चेंज होता रहता है तो उसका जवाब हर दफ़ा मुख्तलिफ होता है. अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, गर्मी से बचें. देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप, और ऐसे ही प्यार देते रहिए. अल्लाह हाफिज़.